नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक के ताज़ा अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से सरकार अपनी ही संस्था से मिले हुए आंकड़ों को दरी के नीचे सरकाने जा रही है। किस्सा ये है कि NSO यानी जनता के बीच जाकर के गरीबी और उसकी बेहतरी के आंकड़े जमा करने वाली जो एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संस्था है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में गरीबी इतना बढ़ रही है कि जनता के हाथ में पैसा नहीं है और पहली बार उपभोक्ताओं का किया जाने वाला खर्च 40 वर्षों में पहली बार नीचे की तरफ जा रहा है, यानी लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया है। जाहिर है ज़रूरी मदों में भी कटौती की होगी। जानकारों का कहना है कि इस चीज़ का सीधा संकेत दे रहा है कि गरीबी की रेखा से जो परिवार बड़ी बमुश्किल ऊपर उठ पाए थे वो फिर से धीरे धीरे गरीबी की रेखा के नीचे जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये ख़तरनाक बात है, लेकिन इसमें रोचक ये भी है कि ये रिपोर्ट तैयार हो गई थी 15 जनवरी को और इसको पेश किया गया, लेकिन सरकार ने कहा कि उनको ये आंकड़े पसंद नहीं हैं, लिहाजा इसको हम समर्थन नहीं देंगे। इस पर बताया जाता है कि समिति के एक मेंबर ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो मीटिंग है इसके मिनट्स में ये दर्ज किया जाना चाहिए कि उनको इस बात पर आपत्ति है, क्योंकि ये एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने विश्वस्त तरीके से प्रोफेशनल ढंग से आंकड़े जमा किए हैं। अगर सरकार उनको विश्वसनीय नहीं समझ रही है तो ये बात दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति उठाई है, लेकिन बताया गया कि उनकी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इसके बाद सरकार ने अपने मुख्य संगणक अधिकारी प्रणव सेन को, जो एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, ये काम सौंप दिया और उनसे कहा गया कि आप नए सिरे से आंकड़े जमा कीजिए। प्रणव सेन ने ये कहा है कि इस वक्त जबकि सारे देश में CAA और NRC को लेकर के इतनी तरह के एजिटेशन हो रहे हैं, इतने जन आंदोलन चल रहे हैं और हर एक प्रांत में भयंकर भीषण धरने आंदोलन पुलिस या झड़प वगैरह चल रहे हैं, इस तरह के आंकड़े घर घर जाके इकट्ठा नहीं किए जा सकते हैं, लिहाजा ये काम कब होगा, होगा भी कि नहीं, ये अस्पष्ट है। यानी साफ जाहिर होता है कि अगर सरकार अपना कुछ भी योजना बनाती है उसकी बुनियाद सरकार की अपनी इच्छा या अनिच्छा होगी, जनता के बीच से जमा किए गए विश्वस्त जानकारी से भरे हुए आंकड़े कतई नहीं, और ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है। दूसरी खबर पर आते हैं, महिलाओं को आर्मी में स्थायी कमीशन दे दिया गया है। इस बात को लेकर के बहुत ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, बताशे बांटे जा रहे हैं। ये बात सही है कि ये महिलाओं के लिए, खासकर वो महिलाएं जो आर्मी में काम करती हैं, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि महिलाओं को 10 साल के लिए कमीशन मिलता था जो खास स्थितियों में 14 साल तक फैलाया जा सकता था, जबकि पुरुषों को 10 साल कमीशन के बाद अपने लिए उच्चतर पद मांगने की इजाज़त थी। उसके लिए वो प्रस्ताव करते थे, उनकी परीक्षा होती थी और अगर वो उसमें निकल आए तो उनको और ऊंचा पद मिल जाता था। महिलाएं चाहे कितना ही अच्छा काम करें, अधिक से अधिक 14 साल वो आर्मी में रह सकती थी। अब ये ताज़ा फैसला आने के बाद से महिलाओं को भी कुछ 5 विभागों में, जिसमें इंजीनियरिंग और सूचना संचार जैसे विभाग आर्मी के शामिल हैं, उनमें पुरुषों के ही समतुल्य कमीशन, पूरा कमीशन मिलेगा और उनके लिए संभव होगा कि वो भी अपनी तरक्की के लिए पुरुषों की ही तरह से आवेदन कर सकें। लेकिन इसके साथ ही एक बाढ़ सी आ गई है कुछ बहुत ही कूढ़ मग्ज वक्तव्यों की ऐसे लोगों द्वारा जिनको कि सरकार ने काफ़ी इज्जत बख्श रखी है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़े गुरु हैं जिनको बार बार सरकारी मंचों पर बोलने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा स्त्रियां अगर जुड़वा संतान को जन्म देती हैं तो उनको 2 स्तनों से 2 तरह के दूध निकलते हैं। ये बहुत ही जाहिल और कूढ़ मगजी भरा हुआ बयान है। दूसरी तरफ एक और सज्जन ने फरमाया कि अगर रजस्वला महिलाएं घर में खाना पकाती हैं तो उनको अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। अभी कुछ ही दिन पहले संघ के प्रमुख ने भी ये कहा था कि महिलाओं के ज़्यादा पढ़ने लिखने से तलाक की तादाद बढ़ जाती है, परिवार बिखर जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि सरकार अगर एक हाथ से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है तो दूसरी तरफ उसके ही कई नुमाइंदे क्यों इस तरह की प्रतिगामी बातें कह रहे हैं जिससे महिला शिक्षा से लेकर के उनके मातृत्व तक, उनके स्वास्थ्य तक तरह तरह के कुप्रभाव पड़ सकते हैं। इसी बीच में एक
महाकाल एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो कि काशी को उज्जैन से जोड़ेगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया, उसमें शिव की प्रतिमा स्थापित की गई, इसका काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि लोगों ने ये कहा कि ये तो एक अजीब सी बात है कि एक पूरी सीट घेर करके आप मंदिर बना दें और उसमें शिव की प्रतिमा लगा दें, और मंदिरों के अपने कुछ विधि विधान होते हैं, लोग वहाँ पर बैठ करके ताश खेलेंगे, सिगरेट बीड़ी पियेंगे, तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाएंगे, क्या ये सही होगा? तो अब बताया गया है कि वो कहा जा रहा है कि वो मंदिर एक ही दिन के लिए बना रहा। कुल मिलाकर के स्थिति प्रिय नहीं है। एक लोकतंत्र के लिए जहाँ शिक्षा, नएपन, नए सोच की हवा आती है, खुद प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भारत को बदलना होगा, हमको अग्रगामी बनना होगा, इस तरह के प्रतिगामी कदम बहुत खटकते हैं और इनके बारे में सरकार को दोबारा गौर करना चाहिए। अब हम आते हैं पर्यावरण पर। अभी चिड़ियों को स्थिति के बारे में एक बहुत बड़ा सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ जिसमें पूरी दुनिया से चिड़ियों के विशेषज्ञ लोग आए। इसमें ये जाहिर हुआ कि दुनिया से करीब 50% चिड़ियों की प्रजातियां पर्यावरण में बदलाव के कारण गायब हो गई हैं। इसके अलावा बेपनाह शिकार और तरह तरह के बिजली के टावर्स लगना वगैरह भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कई चिड़ियों की प्रजातियाँ गायब हो गई हैं। गायब होने वाली चिड़ियों में गिद्ध की प्रजाति भी है। हमारे यहाँ आमतौर से माना जाता है कि गिद्ध लाशों को खाते हैं, और इसलिए जहाँ कहीं भी मरे हुए पशु या मरे हुए मनुष्य उनको मिलते हैं, उनकी वो लाशें खाते हैं। गिद्ध से डरा भी जाता है, लेकिन गिद्ध को ज़रूरी भी माना जाता है क्योंकि वो एक तरह से सफाई कर्मचारी का काम कुदरत के लिए करता है। गिद्धों के मरने की वजह उनके विशेष चिकित्सकों ने ये बताई कि आजकल लोग अपने पशुओं को बहुत बड़ी तादाद में एंटीबायोटिक्स और इस तरह की दवाएँ देते हैं जिससे उनका दूध तो बढ़ता है लेकिन उनके अंदर जहर फैल जाता है। जब इन पशुओं की मृत्यु होती है, उनका मांस गिद्ध खाते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये खतरनाक संकेत है और ये दिखाता है कि कई बार छोटी सी चीज़ में बहुत तरह के संकेत छिपे होते हैं। अभी हमने कुछ सप्ताह पहले आपको बताया था कि राजस्थान में सांभर झील में हज़ारों चिड़िया मरी हुई पाई गई। जब हमने विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस साल वहाँ बहुत अधिक बारिश हुई थी, लिहाजा झील का दायरा फैल गया था। झील का दायरा फैला तो वो कई कंपनियों के द्वारा फैलाए हुए बिजली के तारों के संपर्क में आया, उससे पानी में करंट आ गया, कई चिड़ियाँ और उस पशु पक्षी उसमें मर गए। मर करके जब वो झील की बॉटम में चले गए तो वहाँ से उनकी सड़ती हुई लाशों से एक तरह का संक्रामक पदार्थ निकला जिसे बोट्यूलिज्म नाम का जहर बनता है। उस जहर को पचाने वाले कीड़े बड़ी तादाद में झील में इस बार जमा थे, इसलिए जब परदेसी बाहरी पंछी यहाँ आए और उन्होंने वो कीड़े खाए तो उनकी बड़ी तादाद में मौतें हुईं। लिहाजा इसमें मनुष्यों द्वारा रखरखाव की उपेक्षा, पर्यावरण के बदलाव के कारण अधिक बारिश और इसके साथ ही चिड़ियों की हेल्थ के बारे में जानकारी या पर्याप्त मात्रा में वेटनरी सर्जन न होना भी एक बड़ी वजह है। कुछ एक NGOs ने इसमें काफ़ी मदद भी पहुंचाई। उनकी जो फाइंडिंग्स है, उन्होंने इस बाबत जो जानकारी उनकी चीरफाड़ से प्राप्त की है वो गौरतलब है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अंत में हम एक अजीब से मज़ेदार मुद्दे पर आते हैं। अमर सिंह के नाम से आप सब परिचित होंगे, आज शायद उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनकी बरसी है। इस अवसर पर उनको अमिताभ बच्चन की ओर से एक शोक और सहानुभूति का संदेश मिला तो उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार, जैसी उनकी शैली है, जवाब दिया और कहा कि मेरे पिता को मरे काफ़ी अरसा हो गया, इतने सालों के बाद अमिताभ बच्चन ने मुझे याद किया और ये एक अच्छी बात है और मैं पुरानी सारी कड़वाहट भुला करके फिर से उनसे मैत्री के लिए इच्छुक हूँ। जो उनकी राजनीतिक करियर से वाकिफ़ हैं, उनकी दोस्तियों दुश्मनियों से वाकिफ़ हैं, उनको इसमें कई तरह के छिपे हुए अर्थ माल दिखाई दे रहे हैं, पूरे तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल हमने सोचा ये भी आपको चलते चलते बता दें। तो अगले सप्ताह फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।